कुमार शर्मा। सुमन अभी किस काम के लिए आया चार में? सर मैं तो सर कारपेंटर के लिए। अच्छा, और किसने बताया एचआर के बारे में आपको? एचआर के बारे में सर एक हमारे गांव वाले हैं ना सकीर हुसैन, वो जेंसन का करती है कनेक्शन है, तो ये तो दिल्ली में तो और भी बहुत सारी कंसल्टेंसी है, तो आप एचआर में क्यों आए, कोई स्पेसिफिक रीज़न? नहीं सर एचआर का तो पता नहीं था ना, दिल्ली में जाएंगे तो कहाँ भी ऑफिस है कुछ पता नहीं थे। नहीं फिर भी जो आपके एजेंट के थ्रू है या डायरेक्ट आपके एंट्री कर तो कुछ तो ट्रस्ट होगा ना एचआर पे, जो आप एचआर के अंदर आए, जैसे कंसल्टेंसी तो और भी बहुत सारी है। हाँ, तो वहाँ पर कई जगह पे होता है कि फ्रॉड हो जाता है कैंडिडेट के साथ, कई जगह प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं होता है, तो यहाँ तो ऐसा कुछ आपके साथ नहीं हुआ? नहीं अभी तक नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम जा रहे हैं? फर्स्ट टाइम यहाँ। अच्छा, और आपके गाँव से और लोग गए हैं एचआर के अंदर? दो तीन लड़के गए हैं, सबने तारीफ करी है बोले। अच्छा, उनसे ही बात करके फिर मैं इनको बोला था, उन्होंने नंबर दिया था इनका। अच्छा, फिर मैं इनके कॉन्ट्रैक्ट से। तो अभी आप जो इंटरव्यू के लिए मेसन के लिए? नहीं ना, कारपेंटर के लिए। अच्छा, कितना एक्सपीरियंस है आपको? फाइव साल। इंडियन ही है, गलत तो नहीं? इंडियन। अच्छा, तो बाकी अगर जैसे आपसे कोई पूछा जाएगा एचआर के बारे में तो आप क्या कहोगे एचआर के बारे में? अभी तक तो ठीक ठाक है, तो ठीक ठाक ही बताएंगे ना। अब जाओगे फिर दोबारा कभी आओगे तो फिर बताओगे कैसे रिस्पॉन्स होगा? हाँ, जाने के बाद इधर पता चलेगा ना मतलब कि यहाँ से कैसा कंपनी है। चलो, तो जब आप वहाँ से आओगे तो और जो आपके मिलने वाले लोग हैं आपका कैसा एक्सपीरियंस रहेगा एचआर के साथ वो आप शेयर जरूर करना। वो तो हाँ, वो मतलब बाकी जो फ्रेंड्स वगैरह है वो किए हैं तभी तो हम आए हैं ना। फ्रेंड्स पे भी इनको बताना कि मैं गया था, मेरे साथ अच्छा हुआ सब चीज़, किसी तरह का फ्रॉड नहीं है, ट्रस्टेड कंसल्टेंसी है। तो ये तो आपको जब एक्सपीरियंस आपने देखा होगा आपको खुद ही पता चल गया होगा। ठीक है,